दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंसानी बाल जितना बारीक कैमरा बना लिया गया है? जी हाँ दोस्तों, ये मजाक नहीं है, ये सच है। ये वीडियो देखते रहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको इसी के मुतालिक बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका वेलकम करता हूँ टेक इन्फो ईडीयू में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जर्मनी के माहरीन के मुताबिक साइंसदानों और इंजीनियर्स ने 3D प्रिंटिंग के ज़रिए 3 लेंसेज को बनाकर उनको आपस में जोड़कर एक पिनहेड कैमरा बना दिया है, जो हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले सॉल्ट, मसलन नमक के एक ज़र्रे के बराबर है, जो बहुत ही छोटा है। दोस्तों, इस लेंस से सर्जरी, जासूसी, रोबोटिक्स और कैमरों की दुनिया में इनकलाब आ जाएगा। दोस्तों, इस पिनहेड कैमरे का साइज इतना छोटा है कि इसे इंजेक्शन की सुरेंज में भी समाया जा सकता है। इसे किसी भी ऑप्टिकल तार के किनारे पर लगाया जा सकता है। और इसके अलावा दोस्तों, नमक के ज़र्रे के बराबर कैमरे की मदद से जिस्म के अंदर एंडोस्कोपी को बहुत बेहतर बनाया जा सकेगा, मसलन दिल की एंजियोग्राफी वगैरह। क्योंकि इतने बारीक कैमरे से बहुत साफ और वाज़े तस्वीर ली जा सकेंगी और साथ ही साथ बहुत अच्छी क्वालिटी में वीडियो भी बनाई जा सकेगी और साथ ही साथ जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा के अंदर झांकना भी मुमकिन हो सकेगा। इस मल्टी लेंस की मदद से हर फील्ड में इनकलाब आ जाएगा। मसलन रोबोटिक्स फील्ड में रोबोट्स को बेहतर बनाया जा सकेगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी इसका बहुत अहम किरदार साबित होगा। और इस कैमरे की मदद से फाइबर इमेजिंग सिस्टम, ऑप्टिकल फाइबर और बहुत सी टेक्नोलॉजी में भी बहुत तरक्की होगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि पिन हेड कैमरे के मुतालिक आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा और वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो ईडीयू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ टेक इन्फो ईडीयू को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेक इन्फो ईडीयू चैनल पर क्लिक करके तमाम वीडियोस आप एक के बाद एक देख सकते हैं और नोटिफिकेशन भी पा सकते हैं। तो टेक इन्फो ईडीयू देखते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली यहाँ पर इसी तरह की टेक वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।